नमस्ते, टेस्टी खाना बनाना में मैं बंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बीट रूट का मतलब चुकंदर का बढ़िया स्वादिष्ट हलवा बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत टेस्टी लगता है। चलो शुरू करते बनाना। बीट रूट का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है चुकंदर बड़े साइज़ का। इसको हम पील कर लेंगे नाइफ से या पोटैटो पीलर से, जिससे ईजी हो उससे आप पील कर सकते हैं। पील करके वॉश कर लिया है, ले लेंगे कद्दूकस। और ये जो मोटा साइड की तरफ से हमें कद्दूकस कर लेना है पूरा। पूरा कद्दूकस करके रेडी कर लिया है। ये अराउंड 5 कप भर करके ये है बीट। यहाँ पर कढ़ाई मैंने पहले से रख दिया था। इसमें हम डालेंगे घी अराउंड 1 टेबल स्पून बस। अब ऊपर से हम डाल देंगे पूरा ये चुकंदर और 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सॉफ्ट होने तक हमें भूनना है इसको। पाँच मिनट हो गया है भून करके, काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे दूध। दूध की क्वांटिटी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा किया है, थोड़ा 1 लीटर से थोड़ा सा ही कम होगा ये दूध। अगर मैं आप मिल्क पाउडर या मावा वगैरह डाल रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ दूध में बना रही हूँ तो क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा किया है। अब हमें इसको चलाते हुए, बीच बीच में मतलब चलाते हुए, हमको एकदम दूध सुखा लेना है। दूध एकदम बढ़िया सूख गया है। अभी इसी स्टेज पर हमें डाल देना है शक्कर। शक्कर या गुड़ आप डाल सकते हैं या बिना मीठे का भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हलवा है थोड़ा सा मीठा रहेगा तो अच्छा रहेगा। मैं 1/2 कप से भी कम ये शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। परफेक्ट मीठा चाहिए ना, तो 1/3 कप इसमें शक्कर डालना, नहीं तो 1/2 कप भी डालेंगे तब भी एकदम थोड़ा सा अच्छा मीठा रहेगा। लेकिन एकदम ज़्यादा मीठा खाते हैं अगर मैं आप, तो 1/3 कप शक्कर डालना, ठीक है। शक्कर डालने के बाद लिक्विड ही हो जाता है। अब इसको भी हमें सुखा लेना है। शक्कर डालने के बाद कलर एकदम चेंज हो गया, चाशनी एकदम सूख गया है। देखो एकदम कुछ भी नहीं दिख रहा है ना लिक्विड नीचे, इसका मतलब ये हलवा एकदम अच्छे से रेडी हो गया है। लास्ट में 1/3 टीस्पून हम डाल देंगे इलायची का पाउडर। अगर मैं आप पसंद करते हैं बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं इसके अंदर। मैं नहीं डालूँगी, मैं ऊपर से सिर्फ गार्निश करूँगी इसमें। हलवा बन करके रेडी हो गया है, इसको हम सर्व कर लेते हैं। जितना मैंने मीठा डाला है ना, अगर एकदम नाम मात्र का मीठा खाना चाहते हैं उतना आप डाल सकते हैं। बहुत अमेजिंग लग रहा है, इतने अच्छे से ये कुक हुआ है ना, एकदम सॉफ्ट मुंह में जाते ही मेल्ट हो जा रहा है। ऊपर से थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे सुंदर दिखने के लिए, बाकी और कुछ नहीं। इस तरह से आप लोग भी चुकंदर का हलवा बना करके इंजॉय कर सकते हैं। कैसी लगी ये हलवे की रेसिपी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताना। मेरे इस वीडियो को, मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक। जो नए होंगे इस चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।